देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में भाई जुड़े हुए हैं। भाई ये कितने साल से बताइए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। मैं हूँ जिला सीतामढ़ी से दीपक पटेल। आज मैं मेजरगंज प्रखंड के डुमरी कला पंचायत में हिलमपुर चौक पर हूँ और यहाँ पे जन की समस्या जो है पानी का है। वो देख सकते हैं कि यहाँ पर चौक चौराहे और यहाँ पर लगभग हजारों लोगों को यहाँ पर पानी यूज में आता है जो चापाकल बंद है। और इसके बारे में यहाँ के लोग से मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कब से ये चापाकल बंद है, किसी प्रतिनिधि को इन्होंने सूचना दिया है या नहीं दिया है, कोई देख रेख करने वाला है या नहीं है, कितने लोग यहाँ पर पानी पीते हैं, कितने लोगों की बस्ती है जो यहाँ पर आकर के यूज करते हैं। देख सकते हैं तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये हिलमपुर चौक की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ और हमारे साथ में भाई जुड़े हुए हैं। भाई ये कितने साल से बंद पड़ा था, सही बताइए। डुमरी पंचायत के मुखिया विवेक कुमार से ग्रामीण ने लगाई चप्पा कल की रिपेयर करने की गुहार। गौर से आप देख सकते हैं यह डुमरी कला पंचायत के हिलमपुर चौक की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर ग्रामीण ने कहा कि डेढ़ सालों से ये चप्पा कल बंद पड़ी हुई है और यहां पर आने जाने वाले यात्रियों को छोड़कर 300 घरों की लोग यहां पर चापाकल को यूज किया करते थे, पर ये डेढ़ साल से ये बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी सूचना मुखिया विवेक कुमार को अभी तक नहीं मिली थी, यह बातें ग्रामीण ने खुद स्वीकृत किया है। उन्होंने बताया कि हमने अभी तक मुखिया को सूचना ही नहीं दिया था। न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने मुखिया तक यह बात पहुँचाने की कोशिश किया है और जल्द से जल्द चप्पे कल को ठीक कराने का गुहार लगाई है। जिले के अंदर ऐसी समस्या धीरे धीरे फैलती जा रही है। कहीं पे चापा कल ठीक नहीं हो पा रही है तो कहीं नल जल बंद पड़ी हुई है। इन सारी समस्याओं पर प्रगतिशील किसान फाउंडेशन द्वारा भ्रष्टाचार पोल खोल अभियान जारी है, जिसके तहत जिले के प्रत्येक गांव में प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं।